Welcome back to the channel, everyone, and hope you guys doing absolutely fine at your home. And we are in Gwalior because of Raksha Bandhan. Mama ka ghar ka gallery pura. पूरा नर्सरी की तरह सजा रखा है और पूरे हैंडमेड्स बना के रखे हैं मामी ने पूरे, विच इज़ वेरी गुड थिंग. सो हम लोग जा रहे हैं मितावली पड़ावली, एक स्पॉट है घूमने के लिए बहुत अच्छा. ढेर सारे मोर हैं. तावली की पहाड़ी यहाँ से 3 किलोमीटर और पूरी डामर की रोड अच्छी वाली है. धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए हम सब ड्रोन शॉट एक नंबर आएंगे. इंडिया की जो अपनी संसद भवन है ये सेम स्ट्रक्चर इसका देख के बनाया गया है. व्हाट अ हाइट यार, व्हाट अ हाइट. ये सबमिट जितना भी ये दिख रहा है आपको ग्राउंड सबमिट शिव जी की पिंडी है. आर्किटेक्चर था पहले के जमाने का कि पत्थर बना के एकदम फर्स्ट क्लास बना दिया. तो पोहे का नाश्ता कर रहे हैं हम लोग और थोड़ी थोड़ी उमस हो रही है. ऑल द वेदर बहुत अच्छा है और उमस बहुत ज़्यादा है, तो पसीने से बुरा हाल है. सो वी आर इन गढ़ी पड़ावली राइट नाउ, जो कि 3 किलोमीटर पहले ही था. मितावली से 3 किलोमीटर पहले मूर्तियाँ दिखी. सो जितनी भी वो छोटी मूर्तियाँ यहीं कहीं आसपास गड्ढे खुद के निकली हैं, सो इसलिए इसका नाम है गढ़ी पड़ावली, है ना मामा? सही है मामा. हिस्ट्री बताते जा रहे हैं हम लोग, बार बार अपन बार एक्सप्लेन करते जा रहे हैं. नक्काशी ऐसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ऊपर बैठ के, वो भी हाथ की नक्काशी. फिल्म सीन वाला लग रहा है ना. हाँ शूटिंग भी होती होगी. तुम तो चढ़ गए, हम कहाँ से आए. ठीक है पत्थर से चढ़ गए. उस टाइम के किले हैं भाई साहब, फटी रही है उधर जाने में. तो ये जीने बने तो थे, यहाँ से क्यों नहीं आए. दिख रही है कि नहीं दिख रही आपको, लेकिन दो मोर है और यहाँ पीकॉक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है. चलो वो भाग जाएंगी. क्या अमेजिंग पीकॉक था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा पंख खोलता हुआ बिल्कुल. ओ ह्यूमिड, कौन सा भाई, किंगफिशर. वो तो बॉटल पे छपता है, वही है. सो ये रहा पड़ावली. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए जो कि थर्ड स्टॉप है और वो सबसे बेस्ट स्पॉट है अभी तक का. हालत खस्ता हो गई बट फिर भी थर्ड स्पॉट सबसे अच्छा है तो जाएंगे जरूर. प्लेस नंबर 3 बटेश्वर और यहाँ पर
मामा कह रहे हैं सबसे अच्छी जगह है ये वाली। दिस इज द प्लेस बटेश्वर। पत्थर भी टूटे हुए पड़े। भोलेनाथ जी की पिंडी रखी है। पता नहीं मैं ड्रोन का चक्कर के लिए क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी ड्रोन उड़ाने को मना कर दिया, उसने भी मना किया था तो बाहर से उड़ाया था। ये तो कह रहा है ग्वालियर किले से पेपर लाओ। ये वाला तो कह रहा था कि भाई किले से परमिशन लाओ, ग्वालियर किले से जो किया। कहाँ से लाए भाई ग्वालियर से परमिशन तेरे लिए, वो भी एक ड्रोन उड़ाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट का है, इतना तो होना चाहिए यार कि ड्रोन उड़ा के फोटोग्राफी हो जाए। थोड़ा ना बम पटक रहे हैं हम लोग, बट कोई नहीं, स्टिल 360 है, GoPro है। That's it. This is Bateshwar. Last spot था घूमने का। हाँ, क्या शानदार मौसम और चाय की नीड बिल्कुल। सो ये वाला रेस्टोरेंट था चाचा भतीजा वाला रेस्टोरेंट, जो कि 500 मीटर एजिकेंसी उधर का इंटरसेक्शन है, 500 मीटर की दूरी पे है, तो ऑलमोस्ट इतना तो सफिशिएंट और चाय बढ़िया थी। जस्ट 500 मीटर डू विजिट। अच्छा खासा ट्रिप से थके आ रहे हो और यहाँ पर आ जाओ, मस्त एयर कंडीशनर में बैठो और खाना भी बेस्ट एकदम। रक्षाबंधन की मिठाइयाँ, कल रक्षाबंधन है, बस इतना ही कर दो। किला लाइटनिंग के बाद इतना ज़बरदस्त लग रहा है। सो आई एम इन भोपाल राइट नाउ, और उस दिन जो हम टूट के सोए ना कि हाथ पैर क्या दर्द कर रहे थे, उस दिन की एकदम झकास नींद आई थी उस दिन। और फिर अगले दिन रक्षाबंधन था, सेलिब्रेट किया, भोपाल आए, भोपाल आके पता चला कि एंड की वीडियो शूट ही नहीं की। विद दैट सेड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय एंड राइड सेफ। दिस इज ऋषभ साइनिंग आउट।